When spiders unite, they can tie down even a lion. जब मकड़ियां एकजुट हो जाती हैं, तो वे शेर को भी बांध सकती हैं। कहावत तो सुनी होगी, यदि नहीं सुनी, ये तो पक्का सुनी होगी कि एकता में ही ताकत है। ऊपर कहीं दोनों बातों का मतलब एक ही है। यदि कोई ऐसा काम है जो लोगों के समूह द्वारा किया जाता है, यदि एकता के साथ किया जाए तो बड़ी आसानी से हो जाता है। I am Pramila, artist and educator. Over these years, I have been teaching and producing a lot of artworks, and I can't wait to share my knowledge with you. आज हम इस मूर्ति कला का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो इन बातों का एकदम सही उदाहरण है। The name of this sculpture is Triumph of Labor. The artist is B.P. Roy Chaudhary. The medium is bronze and cement, and time period is 1953 AD. Courtesy The National Gallery of Modern Art, New Delhi. Subject matter: The monument is symbolic of human spirit that wins over hardship with united labor. ये जो monument है, एक human spirit को दिखाता है, जो कि कठिन परिस्थितियों में भी जीत जाती है, अगर हम कठिनाई से एक साथ एकजुट होकर लड़ें। It is a brilliant study of four human figures with rippling muscles. Their personal moment of intense physical efforts, the captured for the world to see, appreciate the daily sweat and labor for livelihood. इसमें चार human figures दिखाए गए हैं, जिनकी जो muscles हैं, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस moment में extreme efforts दिखे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो चार लोग एक्टिविटी में इंगेज हैं, उसमें कितना ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगा हुआ है। ये दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपनी जीवन को चलाने के लिए कैसे वो रोज़ मेहनत करता है और मशक्कत करता है। द स्कल्पचर इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ मे डे सेलिब्रेशन एज द फर्स्ट वन वॉज सेलिब्रेट हेयर। और जो ये स्कल्पचर है, ये मे फोकल पॉइंट है मे डे सेलिब्रेशन का। मे डे जो कि पहली बार यहीं बनाया गया था। डिस्क्रिप्शन: दिस वॉक स्टैंड अमिड्स द सेवरल स्टैचूज इन द मरीना, द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन चेन्नई। दीज फोर फिगर्स आर परफेक्ट एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ मैन एंगेज इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क ऑफ लिफ्टिंग अ ह्यूज रॉक। ये स्टैचू जो है, और बहुत सारे स्टैचू के बीच में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा स्टैचू है जो कि मरीना बीच पर है, जो कि चेन्नई में है। और ख़ास बात यह है कि ये मरीना बीच जो है, वो दुनिया का सबसे लंबा बीच है। और इस स्कल्पचर में आप ये दिखाया गया है कि जो चार मजदूर हैं, इनकी जो आकृति है, इनके जैसे ये बनाए गए हैं, ये परफेक्ट एनाटॉमिकल स्टडीज़ है जो कि आर्टिस्ट ने कैप्चर करी है। इसमें एक एक मसल दिखाई गई है, और आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क को वो करने में लगे हुए हैं। दीज लेबरर्स आर वेयरिंग ओनली लॉइन क्लोथ एंड टू ऑफ देम हैव कवर्ड देयर हेड्स विद अ पीस ऑफ क्लोथ। दे आर एंगेज्ड इन देयर वर्क विद फुल फोर्स। टू आर बेंड फॉरवर्ड एंड अप्लाइंग फोर्स विद देयर हैंड्स। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लेबरर्स में, ये मजदूरों ने कैसे एक पतली सी धोती पहनी हुई है, और जो दो मजदूरों ने अपने सर पर एक कपड़ा बांधा हुआ है, और अपने काम में ये मजदूर पूरी जान से लगे हुए हैं। और इनमें से दो मजदूर आप देख सकते हैं आगे की तरफ झुके हुए हैं और पूरी जान अपने हाथों से लगाई हुई है, और बाकी जो दो मजदूर हैं वो लकड़ी के जट्ठों से जो ये बोल्डर है, जो पत्थर है बहुत बड़ा, उसको उसके बेस से हटाने के लिए लगे हुए हैं। विद देयर एक्शन एंड स्ट्रेन बॉडी मसल्स वन कैन फील देयर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। ईच मसल्स ऑफ द बॉडी शाइन इन स्वेट एंड फिजिकल एक्सप्रेशन। द स्प्लेंडेड स्कल्पचर डिपिक्शन एंड इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ टीम वर्क ऑफ लेबरर्स इनक्रॉस्ड इन अ स्ट्रेनस वर्क। The most distinctive features of this group are its universal apparel, the real quality of mobility. और जो ये action जो artist ने capture किया है, और जो extreme body जो muscle दिखाई गई है,
और एक एक मसल आप देख रहे हैं जैसे खिंची हुई है पूरी तरह से। उससे देखने वाले को, जो व्यूअर है, उसको उनके स्ट्रेंथ का पूरा अंदाज़ा हो रहा है और बॉडी का हर एक मसल पसीने में और फिजिकल एग्जर्शन की वजह से धूप में चमक रहा है। और ये स्कल्पचर है, एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे टीम वर्क, जो मजदूर कर रहे हैं साथ में मिलकर, और कितना ज़्यादा स्ट्रेनस वर्क है, कितना ज़्यादा मेहनती काम है ये, फिर भी वो चारों मिलकर उसको कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक परफेक्ट टीम वर्क एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा खास बात जो है इसकी, वो ये है कि स्कल्पचर को देखकर ये दुनिया में जब भी कोई इसको देखता है वो इससे रिलेट कर पाएगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही लोगों को समझ में आए, ये दुनिया के हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में ये यूनिवर्सल फिगर की तरह सामने आती है, हर कोई इसको रिलेट कर पाएगा। द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडीज ऑफ द मैन मूविंग द बोल्डर, देयर एनर्जेटिक पोस्चर मेक दिस एन एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव वर्क। द स्टैचू डिपिक्टिंग डिग्निटी एंड ट्रायंफ ऑफ लेबर एग्जाम्पलीफाई द सोल एंड स्वेट ऑफ अ बैक ब्रेकिंग एफर्ट। और जो ये मजदूर इसमें दिखाए गए हैं, इसमें इनकी जो मस्कुलर बॉडी, जो कि एक इतने बड़े पत्थर को वहाँ से हिलाने में लगे हुए हैं, उनके जो एनर्जेटिक पोस्चर हैं खास तौर से, वो इस पूरे स्कल्पचर को एक्सप्रेसिव वर्क बना देती है और उसमें बहुत बड़ा अच्छा इम्प्रेशन निकल के आता है। इस स्टैचू को देखकर एक जो फील आती है वो ये आती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी हमेशा जीत होती है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काम जो ये करने में लगे हुए हैं, इसमें कमर तोड़ मेहनत की ज़रूरत है, और देखकर ऐसा लगता है कि ये चारों लोग इसको एक साथ मिलकर कर जाएंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन मरीना बीच, इट इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूट द लेबर क्लास। दिस एस्थेटिकली प्लेजिंग वर्क ऑफ आर्ट विल रिमेन एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर। और मरीना बीच पर जो स्टैचू है, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है और एक ट्रिब्यूट है टू द लेबर क्लास, यानी कि जो कि रोज़ मेहनत मजदूरी करते हैं, मशक्क़त करते हैं अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपने जीवन शैली को चलाने के लिए, उनके लिए ट्रिब्यूट है। और जो वर्क ऑफ आर्ट है, ये दुनिया में हमेशा एक एक्सेलेंट पीस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर रहेगा, एग्जाम्पल बना रहेगा। होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड इट टू। If you think you have got some value out of this session, please don't forget to hit like button and subscribe to my channel. And also, please share this video as much as possible with finance students all over India, because this is going to help them very much in their studies. Thank you.